हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज का हमारा वीडियो है हाउ टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन आफ्टर रोटेटर कफ इंजरी एंड फ्रोजन शोल्डर। मेरा फ्रोजन शोल्डर वाला और रोटेटर कफ इंजरी वाला वीडियो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारी पेन तो कम हो गई पर हम रेंज ऑफ मोशन कैसे इंक्रीज़ करें। ये फेज़ एक बार ज़रूर आता है जब इन्फ्लामेशन शोल्डर में कम हो जाती है आफ्टर रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर, तब हमें पेन बंद हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेज आती है जब स्टेज ऑफ स्टिफनेस के बाद रिकवरी स्टेज आनी होती है। रिकवरी स्टेज में रेंज ऑफ मोशन पेन फ्री होता है, पर वो लेके कैसे आया जाए, स्पेशली एबडक्शन और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन जो कि बहुत लेट आती हैं, इनके लिए मैं आपको एक सिंपल स्टिक एक्सरसाइज कह लीजिए, वैंड एक्सरसाइज कह लीजिए, कैसे ये एक सिंपल स्टिक कैसे काम आती है उसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने में, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं अपने शोल्डर के लिए, शोल्डर की पेन कम करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए फिजियोथेरेपी भी करवाई और इंजेक्शन भी लगवाया शोल्डर में, फिर भी हमारी एबडक्शन रेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज इंक्रीज़ नहीं हो रही। इसके बारे में आप ये सिंपल सी स्टिक अपने सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले ये कन्फर्म करते हैं कि हम वार्म अप करेंगे अपना स्टिक से। इसमें हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे ताकि हमारा जो शोल्डर कैप्सूल है वो थोड़ा सा ओपन अप हो जाए, ताकि हमारी एबडक्शन और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में कोई मुश्किल ना आए। तो देखिए, अब मान लीजिए मेरा ये लेफ़्ट शोल्डर अफेक्टेड शोल्डर है और राइट शोल्डर बिल्कुल हेल्दी शोल्डर है। अब मैं इस स्टिक को, ये स्टिक ऑलमोस्ट फोर टू फाइव फीट लंबी होनी चाहिए, इसको मैं अपने राइट हैंड जो कि नॉर्मल हैंड है उसमें होल्ड करूँगा और अपना जो लेफ़्ट अफेक्टेड शोल्डर है उसका ये अपना हैंड इस स्टिक के टॉप पर फिक्स करूँगा। अब ये जो है इसकी मैं मूवमेंट नहीं करूँगा, इसकी मूवमेंट मेरा राइट शोल्डर राइट हैंड करवाएगा जो कि हेल्दी शोल्डर है, और अनअफेक्टेड जो आर्म है उसको हम पैसिवली मूव करेंगे। देखिए, पैसिव मूवमेंट, ये मैं शोल्डर अपना यूज़ कर रहा हूँ और अपना हैंड यूज़ कर रहा हूँ राइट वाला, पर ये फिक्स टॉप ऑफ द स्टिक के ऊपर फिक्स होने की वजह से मेरा हैंड ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। इसको मैं कंप्लीट स्ट्रेच दूंगा, देखिए ये रेंज ऑलमोस्ट 180 डिग्री पहुंच चुका है फ्लेक्शन का। ये पैसिव मूवमेंट करना हमेशा ही हमारे लिए पेन फ्री होता है, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। फ्लेक्शन इंक्रीज करने के बाद अब मैं एक्सटेंशन के लिए काम करूँगा, उसमें ये जो साइड उल्टी करके फिर से अपने हेल्दी आर्म में, हेल्दी हैंड में इसको होल्ड करके अब इसके बॉटम में अपने हाथ को फिक्स करूँगा और उसके बाद नीचे की ओर प्रेशर दूंगा। ये कितनी इजी मूवमेंट है और इसमें आपको कभी पेन भी नहीं फील होगा। इस तरह से लेते आए और ये एक्सटेंशन में चला गया। अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन खोलने से कैप्सूल थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू होता है, क्योंकि एबडक्शन मूवमेंट होती है ऊपर से हमें कवर होता है एक्रोमियन का और जो बाकी सुपरास्पाइनेटस, इन सब को खोलने के लिए हमें थोड़ा सा कैप्सूल को प्री स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है। अब मेन बात में आते हैं, एबडक्शन कैसे इंक्रीज़ करें। उसके लिए मैं अब हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में स्टिक को पकड़ लूँगा इसको साइड से और अपना हैंड ऐसे फिक्स कर दूँगा इसके टॉप पर। अब यहाँ से मूव करते हुए स्टिक को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, यानी कि आर्म को साइडवेज मूवमेंट को ही हम एबडक्शन मूवमेंट बोलते हैं शोल्डर में। अब ये सारी मूवमेंट जा रही है और ये आपको बिल्कुल पेन फ्री होगा। ये ऑलमोस्ट हम 160 टू 170 डिग्री लेके जा पा रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ से शुरू किया ये 90 डिग्री और यहाँ तक कोई पेन नहीं, और फिर से मैं राइट आर्म हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को और पुश कर रहा हूँ, पर ये मूवमेंट पैसिव है, एक्टिव नहीं है, तो इसमें पेन रिलीफ ही रहेगा। ये एबडक्शन मूवमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ। एक्सटर्नल रोटेशन दो तरीके से होगा, एक तो जो शोल्डर होगा वो एबडक्शन में, यानी कि हमारे ये जो साइड वेज है इसके साथ टच रहेगा, मतलब न्यूट्रल पोजिशन में। उसमें एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि ये मूवमेंट करने के लिए हम स्टिक को अपने हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे और जो हेल्दी हैंड है उससे मैं इधर की ओर पुश करवाऊंगा। अब ये देखिए, ये मूवमेंट में
फोर्स इधर से आ रहा है और ये पैसिवली उसको होल्ड कर रहा है, तो ये मेरा शोल्डर ऐसे एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ जा रहा है यानी कि बाहर की ओर, तो ये हो गया न्यूट्रल में। अब कई बार हमारे डेली एक्टिविटीज़ में हमारा शोल्डर मूव करता है एबडक्शन में एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ, जब हमने क्लोदिंग रिमूव करनी हो या पहननी हो या ऊपर से कोई चीज़ उठानी हो तो उसमें शोल्डर एबडक्शन में रखते हैं और इसको मूव कर लेते हैं। अब यहाँ से शोल्डर 90 डिग्री एबडक्शन के बाद फिर से फोर्स मेरा इस हाथ से जा रहा है इस तरफ, अब ये एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है 90 डिग्री एबडक्शन से। इसमें भी हम अपनी एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैप्सूल की एडहेजन्स को खुद ही ब्रेक कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे ये एक स्टिक ही कितना अच्छा डिवाइस है सेल्फ एक्सरसाइज का फ्रोजन शोल्डर में और रोटेटर कफ इंजरी में, पर ये करना तब है जब हम पेन फ्री हैं, यानी कि सिर्फ अभी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है पर पेन नहीं है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होती है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन डेली एक्टिविटीज़ में क्लोदिंग डालने में रिमूव करने में काम आती है और बैक को स्क्रैच करने के काम आती है, ये होती है इंटरनल रोटेशन। अब इसको हम स्टिक से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसे देखते हैं। मैं इसको साइड व्यू से दिखाता हूँ। स्टिक को नॉर्मल हैंड से पीछे की ओर ले जाइए अपने बैक की तरफ और ये हाथ जहाँ तक जा पाता है वहाँ से स्टिक को होल्ड कर लें। अब मूवमेंट मेरी इस एक्टिव हैंड से होगी ऊपर की ओर और ऑटोमेटिकली मेरा नीचे वाला हाथ ऊपर को मूव कर जाएगा। ये भी हमारी पैसिव मूवमेंट हो रही है और ये पैसिव मूवमेंट हमेशा पेन फ्री होती है, पर ये इंटरनल रोटेशन की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को हम टॉवल के साथ भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको रोटेटर कफ इंजरी के वीडियो में बताया था कि हम टॉवल से कैसे इंटरनल रोटेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, पर हम इसमें सारी एक्सरसाइजेज स्टिक के साथ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्दी रहेगा और पेन फ्री रहेगा। अब एबडक्शन के लिए एक और मूवमेंट वॉल स्लाइड्स के साथ हम कैसे खोल सकते हैं उसको, ये एक स्पेशल टिप है उन लोगों के लिए जो कि मुश्किल में है, एबडक्शन मूवमेंट उनकी खुल नहीं रही। अब वॉल के साथ हम अपना बॉडी वेट डाल के ये स्लाइडर की हेल्प से कैसे एबडक्शन की मूवमेंट ओपन अप कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ कर सकते हैं शोल्डर की, उसके बारे में देखते हैं। आपके पास अगर ये स्लाइडर अवेलेबल नहीं है तो आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से रख के 90 डिग्री या जहाँ तक आपका ये आपकी कैपेसिटी है इसको होल्ड करवाने की वहाँ तक होल्ड कीजिए फेस को बिल्कुल सामने। अब मैं अपना बॉडी वेट वॉल की तरफ लेके जाऊँगा और साथ साथ अपना शोल्डर मूव करता जाऊँगा। ये भी पैसिव मूवमेंट है हमारे शोल्डर एबडक्शन की, बॉडी वेट और इसको स्लाइड करते करते जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारी एबडक्शन ओपन अप हो रही है। रोटेटर कफ इंजरी या शोल्डर पेन या फ्रोजन शोल्डर के बाद हमारे जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, क्योंकि हम शोल्डर को ओपन अप नहीं कर पाते तो सारी मूवमेंट्स हमारी टाइट मूवमेंट, पेक्टोरल टाइट, शोल्डर फॉरवर्ड, उसकी वजह से अब हमें एक एक्सरसाइज और करनी होती है स्टिक से जिसको हम होल्ड कर सकें। अब स्टिक को ये नॉर्मल आर्म के साथ पहले आप उसके अटैच कर लीजिए और इसको दोनों हाथों को यहाँ पे रोल कर लीजिए। अब ये 90-90 की पोजीशन में मेरे शोल्डर्स आ गए हैं एबडक्शन में। अब इसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद अपने शोल्डर्स को हल्का सा बैकवर्ड्स रोटेट कीजिए, इस तरह से हल्का सा बैकवर्ड्स। इसको करने से हम अपने चेस्ट मसल्स को ओपन अप कर सकते हैं और हमारा जो शोल्डर एक्सिस है उसको ठीक कर सकते हैं। ये जिनको फॉरवर्ड शोल्डर या हंच बैक होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइजेज आप रूटीन में करें पर ये पेन फ्री होनी चाहिए। शोल्डर के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं रेंज ऑफ मोशन में स्टिक के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शोल्डर वालों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे चैनल पे लगातार हेल्दी वीडियोस पाने के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए।